हजूर सर सुन के मार्फत लिखा गया क्रांत सदी कलीसिया के नाम दूसरा खत और उसका नौ बाब और उसकी पंद्रहवीं आयत में आप लोगों की रहनुमाई के लिए पढ़ूंगा। सो कलाम मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है, शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश का जो बयान से पहले है। मेरे अजीजों मेरे भाइयों, अभी जो हवाला कलाम मुकद्दस में से खुदा के कलाम में से खुदा के इल्हाम में से अभी हमने पढ़ा है, तलावत किया है, इस हवाला के अंदर लिखा हुआ है कि शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। मेरे अजीजों मेरे भाइयों, यीशु मसीह जो है ये खुदा की बख्शिश है। खुदा की बख्शिश को कोई बयान नहीं कर सकता है। बयान करने को तो हमारे पास बहुत सारे अल्फाज होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत से लोगों की जिंदगियों का हम बयान कर सकते हैं। बयान करने को तो हम बेटे के अपने की जिंदगी को बयान कर सकते हैं, अपने खानदान की जिंदगी को बयान कर सकते हैं, बहुत कुछ है बयान करने को। रसूलों को बयान कर सकते हैं, नबियों को बयान कर सकते हैं, पलूस को बयान कर सकते हैं, सलास को बयान कर सकते हैं, जबकि मेरे अजीज मेरे भाइयों, यीशु मसीह खुदा की बख्शिश है, उसको कोई बयान नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती रसूल को देखो तो उसने बड़ी खूबसूरती के साथ मत्ती पहला भाग 18-25 आयत में खुदा की बख्शिश को ऐसे बयान किया है कि हर क्रिसमस पर हम खुदा की बख्शिश को इसी हवाले के साथ कोट कर देते हैं। लेकिन मेरे अजीजों मेरे भाइयों, खुदा का बंदा पलूस रसूल भी क्रांतिस की कलीसिया दूसरे खत में नौ बाप में बड़ी खूबसूरती के साथ फरमाता है, कहता है कि शुक्र खुदा का उसकी उस बच्ची पर जो बयान से बाहर है। मेरे अजीजों मेरे भाइयों, हम तो अपने बेटे की जिंदगी को बयान करना चाहे तो कर सकते हैं। कल तक वो ये मकाया बेटे की तरह छोटा बेबी था, आज वो मेरे कद के बराबर है, मेरी उम्मीद है, मेरे साथ चलने वाला है, मेरा आसरा बन गया है, मेरा मेरा हाथ बटाने वाला मेरा बेटा हो गया है। हम अपने बेटे की जिंदगी को बयान कर सकते हैं, खानदानी जिंदगियां बयान कर सकते हैं। लेकिन मेरे अजीजों मेरे भाइयों, बादशाहों की जिंदगियों को बयान कर सकते हैं कि बादशाहों की जिंदगियों को बयान करना बहुत ही मुश्किल है। मेरे मुल्क मेरे ख्याल के मुताबिक पूरी कायनात के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी खलक के अंदर 257 मुल्क, कहीं पर तो जमहूरियत का निज़ाम नज़र आता है, कभी पर सदारती निज़ाम नज़र आता है, कभी पर फौजी हुकूमतें नज़र आती हैं, कहीं पर बादशाहत नज़र आती है। सभी बादशाह अपना जोर जमाते हैं, अपनी मनमानियां करते हैं, लेकिन खुदा की बख्शिश के बराबर कोई भी नहीं जा सकता है। ये कैमा की दुनिया में रहते हैं, चार दिन की दुनिया है, ये मुसाफिर हैं, ये परदेसी हैं, ये जानते हुए भी कि हम इस कैमा को छोड़कर हमने आसमान पर जाना है, खुदा के पास जाना है, हमें हिसाब देना पड़ेगा, हमारा तराजू तोला जाएगा, हमें जानते नहीं कि हम किस पल्ले में जाएंगे। लेकिन मेरे अजीजों मेरे भाइयों, खुदा की बख्शिश को फिर कहता हूं कि खुदा की बख्शिश को बयान करना बहुत ही बयान से बाहर है। लेकिन खुदा का बंदा यूहन्ना रसूल भी कहता है कि देखो खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, आप भी हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं तो जोरदार यीशु के जलाल के लिए ताली बजा सकते हैं, क्योंकि हमेशा की जिंदगी पाने के लिए हमें बड़ी मेहनतें, बड़ी कोशिशें, बड़ी जद्दोजहदें करनी पड़ेगी। खुदा के नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा, उसकी हजूरी में झुकना पड़ेगा, उसके हुक्मों पर अमल पहना रहना पड़ेगा, उसकी कदम बोसी करनी पड़ेगी, उसकी बारगाहों में झुकना पड़ेगा, डर और खौफ मानना पड़ेगा। इसलिए मेरे अजीज मेरे भाई, खुदा का बंदा पलूस रसूल को हम बयान कर सकते हैं कि बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा का बंदा पलूस रसूल जो उसका भी हम बयान कर सकते हैं। लेकिन मेरे अजीजों मेरे भाइयों, ये खुदा की बख्शिश को फिर कहता हूं कि खुदा की बख्शिश को बयान करना बयान से बाहर है। किस लिए? क्यों? वो हर कदम पर एक नया काम कर देता है, क्योंकि वो तो जीव और जलाली काम करता है, वो तो जहां नहीं बोता वहां से भी काट लेता है, वो तो हमें आंसुओं के साथ बोना और खुशी के साथ काटना सिखाता है। हालेलुया। सो मेरे अजीज मेरे भाइयों, खुदा का बंदा पलूस रसूल को हम बयान कर सकते हैं कि खुदा का बंदा जो पलूस रसूल है, पलूस रसूल की जिंदगी को हम देखते हैं कि जब वो सौल था,
उसके माजी की तरफ हम चले जाते हैं। तो जब वो सऊल था तो खुदा के लोगों को, मसीहों को चुन चुन कर मारता था। अगर नहीं सी मारता तो मनु कोई भी दास था, ताकि मनु भी पता लगे। मसीहों का घरों से निकाल निकाल कर घसीट घसीट कर मारता था, मसीहों के खिलाफ, मसीहत के खिलाफ वो काम करता था। तो मेरे अजीज मेरे भाई, जब पलूस रसूल को खुदावंद यीशु मसीह जो दमिश्क की राह पर मिले, जब पलूस रसूल को खुदावंद यीशु मसीह दमिश्क की राह पर मिले हैं, तो मेरे अजीज मेरे भाई, हम पलूस रसूल की जिंदगी पर गौर करते हैं कि पलूस रसूल की जिंदगी के बदलने के अय्याम आ जाते हैं। पलूस रसूल की जिंदगी में तब्दीली आ रही है। हम देखते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह पलूस रसूल को मिले हैं, तो पलूस रसूल से कहा है कि पलूस, ऐ सऊल, ऐ सऊल, तू मुझे क्यों सताता है? ऐ सऊल, ऐ सऊल, तू मुझे क्यों सताता है? तो मेरे अजीज और मेरे भाइयों, सऊल के साथी जो थे उस खुदावंद की आवाज सुनते थे, मगर सऊल जो रूह बरूह खुदावंद को देखता था और आवाज भी सुनता था, और फिर खुदावंद यीशु मसीह से, खुदावंद यीशु मसीह से सऊल ने सवाल किया कि आए खुदावंद तू कौन है? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं यीशु हूं। तो मेरे अजीज़ मेरे भाई, सऊल जो है खुदा का, यीशु मसीह का नूर देख ना सका, मुर्दा सा गिर पड़ा और 3 दिन तक देख ना सका। मेरे अजीज़ मेरे भाई, जब सऊल की जिंदगी बदली, जब पलूस बन गया, तो देखते हैं कि पलूस रसूल जो है सब रसूलों में से ज़्यादा सताया जाने वाला रसूल है, सब रसूलों में से ज़्यादा दुख उठाने वाला रसूल है। अगर पलूस रसूल से किसी रसूल ने ज़्यादा दुख उठाए हैं तो कोई भी मुझे बता सकता है। पलूस रसूल से ज्यादा मेहनत की है तो कोई भी मुझे बता सकता है। इसलिए खुदा का बंदा पलूस रसूल कहता है कि मेरा ये कहना बेवकूफी है कि मैं दलेर हूं। पलूस रसूल कहता है, उसी के अल्फाज हैं, कि मेरा ये कहना बेवकूफी है कि मैं दलेर हूं। मेरे अजीज़ मेरे भाइयों, पलूस रसूल ही कहता है कि क्या वही अबरानी है? कहता है कि बड़े फख्र करता है पलूस रसूल, फख्र के साथ कहता है कि मैं भी हूँ। जब दावत है वही करता है ना, पैर मरियम जरा काम करके भाई, ऐसे ही है। पलूस रसूल कहता है कि मैं भी हूँ, वो अबरानियों के साथ अबरानी बन गया, और फिर कहता है कि क्या वही इसराइली है? मैं भी हूँ, इसराइलियों के साथ वो इसराइली बना, इसलिए वो कहता है कि क्या वो अब्राहम की नस्ल में से है? मैं भी हूँ। दावे करता है, फख्र करता है। फख्र करना बहुत ही मुश्किल काम है, कि फख्र तो जब ही कर सकता है, तब ही कर सकता है इंसान, जब उसके हुक्मों पर अमल पहरा रहता है, उसकी बातों को प्रमानता है, उसकी राहों पर चलता है, तो फिर ये बातें हम कह सकते हैं। इसलिए पलूस रसूल कहता है, क्या वही मसीह के खादिम है? तो कहता है मेरा, पलूस रसूल फिर कहता है कि मेरा ये कहना दीवानगी है। तो मैं दीवाना नहीं होया, तेने लगता कि मैं ज्यादा हूं। कहता मैं हूं ना ज्यादा हूं, ये छोटी बात नहीं, क्योंकि पलूस रसूल मेहनतों में ज्यादा, खुदा के काम करने में ज्यादा, और पलूस रसूल कैद में ज्यादा, कैद भी ज्यादा नहीं कहती। और पलूस रसूल क्या कहता है कि कोड़े खाने में हद से ज्यादा, पलूस रसूल जिन्हें कोड़े किसी ने नहीं कहते, क्योंकि पलूस रसूल कहता है कि मैंने यहूदियों से 5 बार 40 कोड़े खाए। इतने कोड़े किसी रसूल ने नहीं खाए होंगे, किसी नबी ने नहीं खाए होंगे, किसी पैगंबर ने नहीं खाए होंगे, जितने कोड़े पलूस रसूल को लगे हैं। तो इसलिए कहता कि मैंने यहूदियों से 5 बार 40 कोड़े खाए, इतने कोड़े खाने वाला। और फिर कहता है कि 3 बार बैत भी लगे। फिर कहता है कि 1 बार संसार भी किया गया, जबकि मेरे अजीजों मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, यहूदी दस्तूर के मुताबिक संसार किया जाता है, जो गुनाह करता है, जो गलती करता है, उसको संसार कहते हैं। पत्थर का जो पता नहीं कितने को पत्थर पर उसे नहीं बचा, सिर्फ यीशु ही
जैसे उसको संसार किया जा रहा था, एक बार कहता संसार भी किया गया, फिर उसके लिए दुख खड़े हो गए हैं कि कहता कि तीन बार तो जहाज टूटने की बला में पड़ा और पलूस रसूल भी जहाज टूटना सुमैशा साहब, इसलिए कहता कि तीन बार जहाज टूटने की बला में पड़ा, फिर बड़ी बात कर जाता है कि एक रात दिन समंदर में काटा, कोई 5 मिनट मैं पानी के डुब के अपना बहा दिया। पलूस रसूल कहता है कि मैंने एक रात दिन समंदर में काटा। आजकल जो पानी में उतरते हैं, समंदरों में जाते हैं, दरियाओं में नीचे जाते हैं, उनके लिए ऑक्सीजन का बंदोबस्त किया जाता है, खूबसूरत डिब्बे के अंदर बंद किया जाता है, लेकिन पलूस रसूल जो है रात दिन समंदर में काटने वाला कहता है कि उसका खुदा उसके साथ रहा, उसकी सांसों को बहाल रखा, उसकी सांसें रही, और पलूस रसूल का आज भी नाम है, और पलूस रसूल जैसे जितने किसी के भी खत नहीं है, पलूस रसूल की बाइबल मुकद्दस में बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा नाम है, पलूस रसूल की बहुत बड़ी सिफतें हैं जिनको बयान करना भी बयान से बाहर है। और मेरे अजीज मेरे भाई फिर कहता है कि बारहार, फिर बात कर जाता है कि बारहार दरियाओं के खतरों में, फिर कहता है कि डाकुओं के खतरों में पलूस रसूल के लिए खतरों के अंबार खड़े हैं, लेकिन पलूस रसूल हार मानने वाला नहीं, इसलिए कहता है कि मेरा ये कहना बेवकूफी है कि मैं भी दलेर हूँ। इसीलिए तो कहता है क्या मेरा ये कहना दीवानगी है कि मैं ज्यादा हूं। इसलिए मेरे अजीजों फिर कहता है कि बड़ी बात कर जाता है कि अपनी कौम से खतरों की, क्योंकि काबे पे तीन आदमी ने इस वास्ते के अपनी कौम से खतरों, फिर बड़ी बात कर देता है, कह जाता है कि गैर कौमों से खतरों में, गैर कौमों का खतरा उन्होंने कहते तो रहता सी पहला उन्होंने वास्ते काम करता सी, जो मसीहा मारता सी फिर गुस्सा चढ़ नहीं सी, इसलिए कहता कि फिर गैर कौमों से खतरों में, फिर कहता है कि शहर के खतरों में, फिर कहता कि बिया बानों के खतरों में, बिया बानों में जाता है तो वहां तो दरिंदे ही दरिंदे हैं, जानवर हैं। मेरे अजीजों मेरे भाइयों पलूस रसूल के लिए खतरे गिने गए तो काम हो जाए, बल्कि पलूस रसूल के लिए जैसे वो सऊल बन के मसीहों के खिलाफ काम करता था, उससे बढ़कर मेरे अजीज चुगना चुगना उसने कई गुना बढ़कर मसीहत में मसीहों के लिए फिर काम कर रहा है, किया है, करके दिखाया है, और खुदा ने उसे चुन लिया है। जब कहते हैं कि फलां बंदा तो कल तक बड़ा पैरा सी, इंडिया के रफ्चारी रंग जी एक जी अज ये पादरी बन गया, खुदा ने उन्हें चुनना तो पादरी बनना ना, खुदा गुनागारों को कमजोरों को चुन लेता है, नकम्मों को चुन लेता है, अधूरे दिनों की पैदाइश को चुन लेता है। कोई मानेगा मैं प्राइमरी का स्टूडेंट हूं? नहीं मानेगा, बस्बे पे खड़ा होगा कोई नहीं मानेगा, पादरी साहब बड़े पड़ेगा गुना ले जी जी नहीं, ये खुदा की बख्शिश है, मेरे यीशु की मेहरबानी है, मेरे यीशु का प्यार है, ये मेरे यीशु का फजल है, ये मेरे यीशु का तरस है कि वो हम सबको मुझे और आपको भी प्यार करता है। और पलूस रसूल फिर कहता है कि मेहनतों में और मेहनत और मशक्कत में, बार हार बेदारी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, बार हार फाका कशी में कलीसियों की फिक्र में रहा, पाल मेरी और आपकी ही कर जाता है, कहता है कि बार हार कलीसियों की फिक्र में रहा। पलूस रसूल को देखे कि उसे कलीसियों की फिक्र, अपने लोगों की फिक्र, अपनी बहनों की फिक्र, अपने भाइयों की फिक्र, अपने बेटों की फिक्र, अपनी बेटियों की फिक्र ही उसे लगी रहती थी, ताकि मेरा भाई ये भी मेरी तरफ मेरे यीशु की तरफ मतवज्जो हो जाए, ये भी मेरी बहन मेरे यीशु की तरफ मतवज्जो हो जाए, ये भी मेरा बेटा मेरे यीशु की तरफ मतवज्जो हो जाए, ये भी मेरी बेटी मेरे यीशु की तरफ मतवज्जो हो जाए। इसलिए मेरे अजीजों मेरे भाइयों खुदा का बंदा पलूस रसूल कहता है कि बार हार फाका भुखा रहिंदा सी, अजकल पादरी नूं पानी नाल दे जांदे ने, पादरी नूं पानी नहीं पहुंचाना, हाले लोकी पुछदे ने
और फिर कहता हूँ कि शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है मेरे अजीजों मेरे भाइयों, यूहन्ना रसूल भी खुदा की बख्शिश को बड़ी खूबसूरती के साथ बयान करता है, कहता है कि मैंने देखा और गवाही दी कि ये खुदा का बेटा है जिसके चर्चे हैं, जिसका नाम है, जिसकी तमजीद की जाती है, जिसकी हम्द की जाती है, जिसकी सताइश की जाती है, जिसकी बसुरगी की जाती है। और खुदा का बंदा यूहन्ना रसूल कहता है कि मैंने देखा और गवाही दी कि ये खुदा का बेटा है। तो मेरे अजीजों मेरे भाइयों, बयान करने को तो हमारे पास बहुत कुछ है, मत्ती से लेकर हम मकाशवा तक बयान कर सकते हैं, लेकिन मेरे अजीजों मेरे भाइयों, हम चुप रह सकते हैं, हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन खुदा की बख्शिश को कोई बयान नहीं कर सकता है। लेकिन मेरे अजीजों मेरे भाइयों, ये खुदा की बख्शिश एक ऐसी बख्शिश है कि जिसको 650 साल पहले यशायाह नबी ने उसकी पेश गोई कर दी। किसी की पेश गोई हो पहला 650 साल पहला हो तो सुनो, कोई भी दस सकता है। ऐसे चर्चे 650 साल पहले की बात है, यशायाह नबी क्या कहता है कि हमारे लिए एक लड़का चला, हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर हुई और उसका नाम अजीब मशीर खुदाई कादर अबियत का बाप और सलामती का शहजादा है। ऐसी पेश गोइयां 650 साल पहले मेरे और आपके निजात दहिंदा की, मेरे और आपके बानी की, मेरे और आपके यहोवा पाक खुदा की पेश गोइयां की गई। मेरे अजीजों मेरे भाइयों, ये है खुदा की बच्चे, ये है खुदा का कलाम जो हम सुनते हैं और उस पर अमल पहरा रहते हैं। मेरे अजीजों मेरे भाइयों, हम इस जोड़े को बयान कर सकते हैं कि जो दूर दराज के मुल्क में खुदा की खिदमत के लिए जाना चाहते थे, मैं एक खादम और एक खादमा की बात कर रहा हूँ कि दूर दराज के मुल्क में वो खुदा की खिदमत के लिए जाना चाहते, लेकिन मेरे अजीजों मेरे भाइयों, जिस जगह वो जाना चाहते थे वो जगह काफी बैठक थी। काफी बैठक थी यानी गरीब थी, वहां पर तो उनके बच्चे के लिए प्रॉपर स्कूल का कोई बंदोबस्त नहीं था जो अपने बच्चे की तालीम का सिलसिला जारी रख सके। लेकिन मेरे अजीज मेरे भाई, उन्होंने सोचा, गौर किया कि हम अपने बच्चे की तालीम का सिलसिला जारी रखने के लिए ऐसा करते हैं कि हम अपने ही बच्चे को अपने ही मुल्क के अंदर एक हॉस्टल के अंदर दाखिल करवा देते हैं और खुद उस दूर दराज के मुल्क में खुदा की खिदमत के लिए चले जाते हैं। लेकिन मेरे अजीज मेरे भाइयों, उन्होंने ऐसा ही किया कि उन्होंने अपने ही बच्चे को अपने ही मुल्क के अंदर एक हॉस्टल के अंदर दाखिल करवा दिया और खुद वो दूर दराज के मुल्क में खुदा की खिदमत के लिए चले गए। तो छाड़ के पाकिस्तान जाए नहीं जाना, दिल नू हाथ पे ऐसे नहीं हो रहा, ठीक है। देखते हैं कि वो अपने बेटे को हॉस्टल के अंदर दाखिल करवाकर दूर दराज के मुल्क में खुदा की खिदमत के लिए चले गए। लेकिन मेरे अजीजों मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, उसी दौरान तो क्रिसमस का मौका आ गया और क्रिसमस के मौका पर सारे बच्चे अपने 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 घरों को चले गए। लेकिन मेरे अजीजों मेरे भाइयों, ये बच्चा चूंकि इसके वालिदैन तो यहाँ थे ही नहीं, ना कि इसका कोई यहाँ पर अजीज था, ना ही रिश्तेदार था, ना ही करीबी था, ना ही दोस्त था कि जहाँ वो जाए, और वो बच्चा अपने कमरे में हॉस्टल के अंदर अपने कमरे में सोफे पर बैठा हुआ था। तो अचानक उसके प्रिंसिपल को ख्याल आया कि आज क्रिसमस का मौका है, आज मेरे हॉस्टल के अंदर एक बच्चा अकेला है, मुझे उसके पास जाना चाहिए, मुझे उसे कुछ देना चाहिए कि वो उदास ना हो। सो मेरे अजीज मेरे भाई, प्रिंसिपल क्या उसने लोक किया, कमरे में गया, बच्चे से पूछा, बेटा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। आए मेरे साथ कलामी मुकद्दस को ले लूं, 18:41 मेरे लिए वकार भाई पढ़ दे। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, यही अल्फाज, शुक्रिया भाई,
तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। इसी तरह इस प्रिंसिपल ने इस बेटे की दिल जोई थी कि ताज तू कौन से अच्छे पार्क में जाना चाहता है, तू कौन से झूले झूलना चाहता है, कौन से अच्छे कपड़े या ड्रेस लेना चाहता है, कौन सी संगीत तुझे पसंद है, कौन से चीज लेकर तू कौन से खिलौने लेना चाहता है कि तू उदास ना हो। लेकिन मेरे अजीज मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, बच्चे ने प्रिंसिपल को अपनी आंखों में आंसुओं के साथ जवाब दिया। रो पिया बच्चा, आंखों में आंसुओं के साथ प्रिंसिपल को जवाब दिया। और बच्चे की नगाह जो थी अपने बाप की तस्वीर पर थी, जो फ्रेम में जड़ी हुई दीवार पर लगी हुई थी। और बच्चे ने कहा कि मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा बाप इस शीशे के फ्रेम में से निकल आए और मुझे अपने गले लगा ले, क्योंकि मैं तो उदास हूँ, अपने बाप के लिए तन्हा हूँ, अपने बाप के लिए अकेला हूँ, अपने बाप के लिए मेरे लिए क्रिसमस पर सबसे बढ़कर सबसे अच्छा सबसे कीमती सबसे खूबसूरत गिफ्ट यही होगा कि मेरा बाप शीशे के फ्रेम में से निकल आए और मुझे अपने गले लगा ले। मैं उदास हूँ अपने बाप के लिए, मैं तन्हा हूँ अपने बाप के लिए, मैं अकेला हूँ अपने बाप के लिए, ताकि मेरी तन्हाई जाती रहे, मेरा अकेलापन जाता रहे। सो मेरे आशीषों मेरे भाइयों, इसी तरह हमारा आसमानी बाप मुझे और आपको हम सबको गले लगाना चाहता है, हमारी तन्हाइयां खत्म करना चाहता है, हमारी उदासियां खत्म करना चाहता है, हमारा अकेलापन खत्म करना चाहता है कि हम उदास ना हो। असी अगले जान दे सर, अगले फ्राइडे कर दिया दाग सही कर जाए, आज की बरकत कल नहीं मिलेगी। इसलिए हमारा खुदावन भी बच्चे की तरह चाहता, हमारा आसमानी बाप भी हमें अपने गले लगाना चाहता है, हमारे साथ गुफ्तगू करना चाहता है, हमारे साथ बातें करना चाहता है। और मेरे अजीजों मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, फिर कहता कि शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश का जो बयान से बयान तो करने को तो बहुत कुछ हमारे पास होता है, बहुत सी बातों को बहुत सी चीज़ों को हम बयान कर सकते हैं, लेकिन मेरे अजीजों मेरे भाइयों, हम खुदा के कलाम पर ध्यान और ध्यान करते हुए ये सोचेंगे गौर करेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या अपराणियों के खत के अंदर मेरे अजीजों पलूस रसूल जो बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा के कलाम को बयान करता है और क्या कहता है, कहता है कि इसी कदर वो फरिश्तों से बुजुर्ग हो गया। क्या कहता है कि इसी कदर वो फरिश्तों से बुजुर्ग हो गया। बुजुर्ग केड़ा होंदा, केड़ा वड्डा होंदा, जिहदा नां होंदा, जिहदी इज्जत कीती जांदी है, जिहदी शोहरत मिलदी है, जिहदे चर्चे होंदे ने, वो बुजुर्ग होंदा। जिस तरह उसने मीरास में उनसे अफजल नाम पाया, मिराज में उनसे अफजल नाम पाया, मेरे अजीजों मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, फरिश्तों में से कब किसी से उसने कहा कि तू मेरा बेटा है, फिर ये कि मैं उसका बाप हूंगा और वो मेरा बेटा, हर किसी से नहीं कहा गया है। एक ही खुदा है, एक ही बेटा है, जिससे के लिए वही खुदा की बख्शिश है, जिसको हम बयान नहीं कर सकते, जो बयान से बाहर है मेरे अजीजों मेरे भाइयों। और फिर बड़ी बात कह जाता है कि जब पहलौठे को दुनिया में फेर लाता है, एक ही पहलौठा है, एक ही कला है, जब पहलौठे को दुनिया में फेर लाता है तो कहता है काबले गौर हासले कलाम के खुदा के सब फरिश्ते उसे सजदा किए, जैसा कि गगरियों ने भी उसे सजदा किया, चरवाहों ने भी उसे सजदा किया, हम सब भी उसे सजदा करते, सजदे ही सजदे, क्योंकि वो तो सजदों के लायक है। इसलिए मेरे अजीजों मेरे भाइयों, फिर कलाम कहता है कि मेरे अजीजों मेरे भाइयों, और फरिश्तों को वो अपने फरिश्तों के बाबत कहता है, अपने फरिश्तों को हवाएं, हवा का काम क्या है कोई भी बता सकता है, इस हवा का जो अपने फरिश्तों को हवाओं का मतलब नाम दिया गया है, जो अपने फरिश्तों को हवाएं, तो हवाओं का क्या काम है,
कैसे लिए उसने ये पुलिस चौकी क्यों की लगा? कोई भी बता सकता मेरे असी सब मेरे भाइयों हवा का काम है, अभी ये पंखा बंद कर दे तो हम सारा ही हमारा दम घुटना शुरू हो जाएगा, घुटन सी महसूस करेंगे, मरने के करीब पहुंच जाएंगे। इसलिए उसने फरिश्तों की पक्की ड्यूटी डाल दी। तो थोड़ी रुके ना, गुमा लग गया जी भैन जी, गुमा लग गया जी भाई जी, ऐसा है भाई घुटन। हाँ जी, हवा चलने से ताश दिया जाती है और फिर क्या कहता है कि अपने कादमों को आग के छोले बनाता है। कादमों का ये क्यों नाम दिया गया है, इसलिए ये नाम दिया गया है कि अपने कादमों को आग के छोले बनाता है, क्या अपने गीतनों को आग के छोले बनाता है, लेकिन इसको आग के छोले बनाता है, मुबशरीन को आग के छोले बनाता है, एलिस को आग के छोले बनाता है, क्यों मेरे अजीज मेरे भाई कोई भी बता सकता? अपने खात्मों को इसलिए आज कोने तक ना फैल जाए, मेरा आना जल्द ना होगा। और मेरे अजीजों मेरे भाइयों, एक ही इकलौता बेटा है कि मेरे अजीजों जिसने बाप को जाहिर किया, कलाम में लिखा है कि खुदा को किसी ने किसने वेख्या मन नहीं मिटा सके। मैं दया सुनना नहीं किसी ने कलाम चल रहे हैं, खुदा को किसी ने नहीं देखा, बस इकलौता बेटा जो है, लाडला जो है, प्यारा जो है, पलोठा जो है, उसी ने बाप को जाहिर किया। तेरा पुत्र होएगा तो वो ही मेरा नाम लेगा, बेटे बाप का नाम रोशन करते हैं। ये ऐसा बेटा इसने अपने बाप का नाम रोशन कर दिया, इस जहान में भी और आने जाने जहान में भी रोशन ही रहेगा। और मेरे अजीज मेरे भाइयों, फिर कहता हूँ कि शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो ज्ञान से बाहर है। खुदावंद आज के एक उसके खूबसूरत कलाम के वसीला से आप सबको और मुझे भी ढेर ढेर बरकतें अता करें।